नोएडा में धन कुबेर के घर सीबीआई और आयकर की टीम ने छापा मारा तो रेड टीम की आंखें फटी की फटी रह गई। छापेमारी में एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम डीके मित्तल के घर से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ तो वहीं करोड़ों का कैश भी बरामद हुआ है। यह है नोएडा का सेक्टर 19 इलाका, बेहद पॉश। यहाँ बड़े बड़े रसूखदार रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी लोगों का ठिकाना है जो सफेद पोश की आड़ में काले कारनामे अंजाम देकर कुंडली मार कर बैठे हैं। नोएडा के सेक्टर 19 की कोठी नंबर A182 पर जब रेड पड़ी तो सब दंग रह गए। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन यानी NBCC के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक डीके मित्तल के घर सीबीआई और आईटी ने रेड की। इस कार्रवाई के दौरान एजेंसियों को करोड़ों रुपए की नकदी और ज्वेलरी बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक जिस घर में सीबीआई और आईटी ने छापा मारा वहां NBCC के पूर्व CGM डीके मित्तल और उनका परिवार रहता है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक मौके से मिला कैश लगभग 2 करोड़ के आसपास है। इस वक्त सेक्टर 19 के 182 कोठी में हम खड़े हैं और ये कोठी आप देखिएगा सबसे पहले, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कोठी के भीतर क्या चल रहा है। तो मित्तल निवास है डीके मित्तल, जो कि NBCC के पूर्व CGM हैं, और इस पूर्व अफसर के घर पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार का आरोप इस पूर्व अफसर पर है और इस वक्त सीबीआई और आईटी की जो टीम है इसी घर के ठीक भीतर मौजूद है। और बता दें आपको करोड़ों की जो नोट है वो यहीं पर से बरामद हुए हैं। इसके साथ ज्वेलरी जो है वो यहां पर से बरामद की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कई दस्तावेज हैं जो कि यहां पर से बरामद किए गए। पैसा इतना सारा था कि उसे गिनने के लिए नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई। सर्च के दौरान सीबीआई और आयकर की टीम को पूर्व NBCC CGM के यहां से कई दस्तावेज भी मिले जिनके बारे में पूछताछ की गई। कहा जा रहा कि परिवार ने कैश को लेकर दावा किया था, जिसके बाद दोनों विभाग की टीमों ने परिवार से कैश को लेकर दस्तावेज दिखाने को कहा। वहीं CBI और IT ने पूर्व CGM के परिवार से पूछताछ भी की और मौके से इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी जुटा। माना जा रहा है कि छापेमारी NBCC से जुड़े मामलों को लेकर की गई। इतनी भारी तादाद में संपत्ति अर्जित की गई है कि हाथों से काउंट नहीं हो पा रही है, उसके लिए बाकायदा 2 से 3 मशीन जो है यहाँ पर मंगाई गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि डीके मित्तल जो कि पूर्व CGM है NBCC के, उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। इतने सारे नोट कहाँ से आए, इतनी सारी ज्वेलरी कहाँ से आई, ये तमाम चीजें जो है सवाल खड़े कर रही है। और ऐसे में अभी ये कार्रवाई पूरी चल रही है यहाँ पर। लेकिन ये बता दें आपको, ये कार्रवाई को 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, यानी कि आप ये अंदाजा लगाकर चलिएगा कि कितनी ज्यादा अवैध संपत्ति जो है यहाँ पर अर्जित की गई थी, और उसी को लेकर फिलहाल पूरी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। दोनों ही जांच एजेंसियां मित्तल के घर पर रेड के लिए शुक्रवार रात को ही पहुंच गई थी। एजेंसियों के साथ स्थानीय पुलिस का दल बल भी शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।